गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त रवि कुमार स्वागत करता हूँ हमारे भरल जसवा के चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आज जानेंगे कुछ ताजा खबरों के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को भरल जसवा की तरफ से श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। झारसुगुड़ा प्रशासन के द्वारा गए हफ्ते में गणेश पूजा और नुआखाई के गाइडलाइंस को जारी किया गया था, जिसमें लोगों को इस त्योहारों पर कुछ राहत दी गई थी। गाइडलाइंस के हिसाब से 22 तारीख को बाजार सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, और जहां 23 तारीख को बाजार सुबह 7 से 1 बजे तक खुलता, वहां पर डीएम झारसुगुड़ा ने उसको बढ़ा के 5 बजे तक कर दिया गया। झारसुगुड़ा जिला प्रशासन द्वारा पत्रापाली ग्राम पंचायत और मालदा ग्राम पंचायत को 28 अगस्त रात 9 बजे तक किया गया शटडाउन। जिला के लोगों की शिकायतों को एक समय सीमा के अंदर सटीक तरीके से कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल, जिसमें जिलावासी अपने अपने शिकायतों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या फिर कलेक्टर ऑफिस जाके शिकायत बॉक्स में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाएगा। झारसुगुड़ा टाउन के सभी जगहों पर इंडसइंड बैंक के द्वारा घोषणा के माध्यम से ग्राहक जागरूकता अभियान चलाई गई। झारसुगुड़ा पुलिस द्वारा बीते 7 दिनों में कलेक्ट की हुई फाइन की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें मास्क न पहनने वालों से लिया गया फाइन 2,16,750 रुपये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों से लिया गया 9,700 रुपये, और एमबी एक्ट वायलेशन के तहत लिया गया 14,500 रुपये, और अब तक 31 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। एट जीवन अभी की मेंबर्स ने सीनियर सिटीजन दिन को झारसुगुड़ा के डिग्निटी होम के सीनियर सिटीजन के साथ केक काटते हुए और मिठाई बांटते हुए सेलिब्रेट किया। सीरियापाली झारसुगुड़ा के एकलव्य ग्रामस्थान सेंटर में गांव के लोगों को पौधे बांटे गए। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से आज बड़े मुंडा झारसुगुड़ा में स्टूडेंट्स को खाना और फाइनल असेसमेंट क्वेश्चन पेपर बांटा गया। एक वकील कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद झारसुगुड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स को किया गया सील। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आज सूचना मिली है कि जेईई मेन एग्जाम 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी और एनईईटी एग्जाम 13 सितंबर को होगी। झारसुगुड़ा में कोरोना की परिस्थिति गंभीर होते जा रही है। बीते 24 घंटे में 72 नए कोरोना के मामले, टोटल कोरोना से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 705 तक, जिनमें से अब तक 488 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अभी भी 216 केस एक्टिव हैं। इसके साथ ही साथ कुछ जगहों पर कंटेनमेंट जोन को जारी किया गया है, उनमें से मुंद्रा जोड़ लैकरा, तबगुंजा लैकरा, कुरीमल ग्राम पंचायत रमेला, ब्लॉक नंबर 104 नियर रेलवे कॉलोनी ब्रजाजनगर, हटलीपाड़ा झारसुगुड़ा, मुंगापाड़ा टाटा लगेली झारसुगुड़ा, झंडा चौक झारसुगुड़ा, बीटीएम कॉलोनी झारसुगुड़ा। इसके साथ ही साथ कुलाविरा से कंटेनमेंट जोन को हटाया गया। ओडिशा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कुल 72,000 से ज्यादा हुए कोरोना के शिकार, जिनमें से 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं, और बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि 390 मरीज कोरोना से मारे भी गए हैं। ऐसे डेली अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भरल झारसुगुड़ा, द वन यू ट्रस्ट, पावर्ड बाय सोनी ज्वेलर्स, फर्नीचर पार्क, माइन रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड, नंदा मेडिसिन स्टोर। इसके साथ ही साथ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे भरल झारसुगुड़ा के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब चैनल को।